हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे फ्रेश पिज़्ज़ा, वो भी बिना यीस्ट के और बिना ओवन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे, उसमें 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच थोड़ा सा नमक। अब सब मिक्स कर देंगे। अब 1 कप दही लेंगे और उससे ही आटा गूंद लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जितना पानी लिया है और उससे आटा गूंद लेंगे। अब 1 चम्मच जितना तेल लेंगे और उससे आटा गूंदेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम आटा गूंदेंगे। अब उसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अभी थोड़ा सूखा आटा लेंगे और उसे 2 मिनट के लिए मस लेंगे। अब इसमें से 4 पेड़े बना लेते हैं। अब उसे पतला बेल लेते हैं। पिज़्ज़ा को हम पैन में बनाएंगे, तो पैन को हम गरम करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम उसे गरम करेंगे। अब 5 मिनट के बाद उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और पिज़्ज़ा का जो हमने बेस तैयार किया है उसे डाल देंगे और ढककर उसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितने बबल्स आए हैं। इसे पलटा देंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब उस पर 2 चम्मच जितना पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अभी आप उस पर अपनी पसंद की सब्जियां रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, प्याज, उबली हुई मकई और एलेपिनोज ली हैं। आप चाहे तो ऑलिव्स और मशरूम्स भी ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लीजिए। अभी हम उस पर चीज़ का लेयर कर देंगे। मैंने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर मोजरेला चीज़ है तो वो भी ले सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और ढककर उसे चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक पकाएंगे। चीज़ मेल्ट हो चुका है, अब उसे निकाल देंगे। अभी हम उसे कट करेंगे। तो रेडी है हमारा फ्रेश पिज़्ज़ा, वो भी बिना यीस्ट और बिना ओवन के। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।